नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो बुद्धाय। आज मैं आपको बताऊंगा कि बुद्धिस्ट कंसेप्ट के अनुसार कितना प्रकार का रिबर्थ होता है, यानी पुनर्जन्म होता है, और किस तरह से लोग इस संसार में जन्म होते हैं, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पूरी तरह कोशिश ये रहेगा अच्छी तरह से समझाने को। ये प्योरली भगवान बुद्ध के धर्म के अनुसार है। बुद्धिज्म के अनुसार चार प्रकार के प्रतिसंधि होता है। पाली वर्ड में प्रतिसंधि का मतलब होता है, इंग्लिश में रीयूनियन या रीलिंकिंग कहा जाता है, जिसको अगर हम सिंपल शब्दों में कहो तो रिबर्थ बोला जाता है। और प्रतिसंधि तभी होता है जब तीन चीज का मिलन होता है। सबसे पहले तो चित्त यानी माइंड होता है, उसके बाद माइंड के साथ साथ माइंड का फैक्टर्स जोड़ना पड़ता है, उसके बाद रूपा यानी रूप मैटर्स जोड़ना पड़ता है। जब ये तीन चीज एक साथ हो जाते हैं, इस संसार में आते हैं और इस संसार में वो जन्म होते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार चार प्रकार के प्रतिसंधि होता है। तो सबसे पहले प्रतिसंधि होता है औपपति का प्रतिसंधि। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली जन्म होते हैं, जिसका कोई माँ बाप नहीं होता है, जिसका कोई माता पिता नहीं होता है, यानी जो माँ का पेट से नहीं आया हो, ऑटोमेटिकली जन्म हुए हो, उसे को औपपति का कहा जाता है। उदाहरण के लिए बुद्धिस्ट कंसेप्ट के अनुसार जो देवी देवताओं का जन्म होता है, इनका स्पॉन्टेनियसली जन्म होता है, ना कि कोई पैदा करते हैं। ये स्पॉन्टेनियसली पैदा होता है, जिस जिसके पास कोई माता पिता नहीं होता। अपना पिछले जन्मों का जो कर्मों की वजह से, अच्छा कर्मों की वजह से देवी देवता हो जाते हैं और इनका जन्म तुरंत हो जाते हैं, यानी स्पॉन्टेनियसली होता है, जिसका कोई माता पिता नहीं होता है, इसे को औपपति का प्रतिसंधि कहा जाता है। एंड देन सेकेंड टाइप ऑफ प्रतिसंधि इज संशयदाजा प्रतिसंधि। संशयदाजा प्रतिसंधि यानी मॉइश्चर से जो पैदा होता है, यानी कचड़े से पैदा होता है। अभी जैसे एक उदाहरण के लिए पानी को एक बोतल में डाल के बंद कर दीजिए, बंद करके आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना रख दीजिए। जब पानी के अंदर में कचड़ा हो जाएगा, पानी में कुछ कचड़ा आ जाएगा, कुछ मैल आ जाएगा, तो वो वहां पे कुछ ऐसे कीड़ा आ जाते हैं। तो ये सब को संशयदाजा प्रतिसंधि कहा जाता है। एंड देन थर्ड टाइप ऑफ प्रतिसंधि इज अंदाजा। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि अंदाजा, अंदा यानी अंधा को बोला जाता है, जो एक होता है। जैसे पक्षियां होते हैं, मछलियां होता है, सबसे पहले ये लोग क्या करेगा, अंडा देंगे, उसके बाद वो अंडा से बच्चा होते हैं। डायरेक्टली वो बच्चा नहीं होगा, पूरी तरह से मैच्योर नहीं होगा, पहले वो अंडे देंगे, अंडा से ही वो धीरे 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 करके वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एक बच्चे के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। पहले वो अंडा देंगे, अंडा से बच्चा होता है, तो इसलिए उनको अंडाजा बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ प्रतिसंधि इज जलाबोजा। जलाबोजा यानी माँ का पेट से मैच्योर होके पैदा होता है, जैसे मनुष्य लोग डायरेक्टली बच्चा पैदा होता है, और कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जैसे गाय होते हैं, बकरी होते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो पूरे तरह से मैच्योर होके जन्म होता है, हाथी होते हैं, घोड़ा होता है, बहुत सारा ऐसा होता है जो पूरी तरह से मैच्योर होके बच्चा पैदा कराते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रतिसंधि होता है भगवान बुद्ध के धर्म के अनुसार समझाया गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। आज मैं इतना कहते हुए यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, और अगली बार मैं आपको बताऊंगा कि कॉज ऑफ बर्थ यानी जन्म होने का क्या कारण है, इसका क्या वजह हो सकता है, जन्म माता पिता और उनका जो बेटे का क्या रिलेशन होना पड़ता है तभी जाके जन्म होता है, इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप सभी लोग सदा खुश रहे, शांति से रहे। नमो बुद्धाय।